दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार सिनेमा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेक्रेड गेम के सीजन 2 का रिव्यू, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि सीजन 1 में ऐसा क्या था जो सीजन 2 में नहीं है और सीजन 1 में ऐसा क्या नहीं था जो सीजन 2 में है। तो सबसे पहला सवाल मेरा नोनी जी से होगा, क्योंकि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था और लोगों को पता भी नहीं होगा कि यार उन्हें इतना ज्यादा पसंद आएगा, और जो मेकर्स थे इसे बनाने वाले अनुराग कश्यप थे, विक्रम जी थे जी। तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि सेक्रेड गेम मतलब एक तरह से बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा मतलब एक इतिहास रच दिया इसने। नेटफ्लिक्स आप ये देखो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से जाना जाता है, गेम ऑफ थ्रोन्स पर नेटफ्लिक्स मतलब उससे एक तरह से उठा है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स बन गया सेक्रेड गेम। इतना बड़ा नाम, और जो कि मतलब सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, बाहर के विदेशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि गाय टोंडे हो, बंटी का कैरेक्टर हो, या कोई भी कैरेक्टर आप ले लीजिए, कुकू का जादू तो मतलब सभी कैरेक्टर बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छे से। अगर इसकी मैं इंग्लिश डबिंग की भी बात करूंगा तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले नोनी जी बताइए सेक्रेड गेम सीजन 1 के बारे में कि शॉर्ट अगर डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो क्या उसके अंदर ऐसा था जो लोगों को इतना बेहद पसंद आया। एक्चुअल में इसके अंदर दोस्तों कहानी तो आप लोगों को पता ही है, गाय टोंडे का जो मेन कैरेक्टर है राहुल जी, तो उसी की बताया जाता है कि एक बच्चे की भूख, उसने जीवन में जो चीजें नहीं देखी हैं लेकिन उसके कुछ पाने की महत्वाकांक्षा, इतने बड़े बड़े सपने हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए उसके अंदर एक ललक इस तरह की है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ही है, अपनी मदर को ही मार देता है वो एक टाइम पर, अपने फादर बताता है, तीन बाप है उसके, तो एक तरह से सभी को मार दिया और कुछ भी करने को तैयार है। जो चीजें उसको नहीं हासिल हो रही है उनको सबसे पहले, एक शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट ही एपिसोड में आपने देखा होगा, वो कूड़े के ढेर को जला देता है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि मतलब एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए कोई कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है, और फिर अपने साथ लोगों को कैसे जोड़ लेता है। कहते हैं राज करने के लिए एक भूख है जो उसके अंदर। ये बात सही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो गाय टोंडे का कैरेक्टर है बहुत ही महत्वाकांक्षी दिखाया गया। उसके बाद जो कैरेक्टर प्ले किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, तो उन्होंने चार चांद लगा दिए गाय टोंडे के कैरेक्टर में। जिस तरह से वो डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, जो भी उन्हें डायलॉग्स दिए गए, चाहे वो कोई भी डायलॉग हो, लेकिन उनके मुंह से सुनना वो अपने आप में मतलब एक तरह से अनूठा है और आपको मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस कराता है। मुझे लगता है कि अगर कोई और आर्टिस्ट होता, कोई और अदर एक्टर होता, तो शायद वो गाय टोंडे के साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाता। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो नहीं नजर आए, पूरा गाय टोंडे ही नजर। बिल्कुल, नवाजुद्दीन की यही खासियत है, उन्होंने अपना मतलब उनका बताया जाता है नोनी जी 14 साल का स्ट्रगल किया, तो वो दिखता है स्क्रीनिंग पे कि उन्होंने कितना ज्यादा मतलब मंजे हुए कैरेक्टर है। वो शायद स्ट्रगल नहीं, वो शायद प्रैक्टिस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब वो खाली टाइम में वो बताते भी थे कि मैं कैरेक्टर पे काम करता रहता था, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं उनके काम में दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बंटी के कैरेक्टर की। बंटी के डायलॉग्स भी अपने आप में बहुत बढ़िया, और मतलब बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो जिस तरह का उनका मतलब एक इन्वायरमेंट दिखाया गया है पूरी एक सीरीज के अंदर, तो वहां पर जिस तरह से गालियां दी जाती हैं वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब नॉर्मली बातचीत कर रहे हो, निकल रही है अंदर से और नॉर्मली बातचीत कर रहे हो, मतलब वो हम यहाँ पर बोलकर नहीं बताएंगे लेकिन सुनने में हमें ऐसा नहीं फील होता कि ये गाली दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है, जो चीज हमें बहुत ज्यादा लगता है कि यार ये तो गाली है, गलत चीज है, लेकिन वहां पर उनके बोलने से वो चीज ऐसी नजर आती है जैसे उसमें भी प्यार बरस रहा है। हाँ मतलब, तो बंटी के कैरेक्टर की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा सेक्रेड गेम सीजन 1 में, जो कि 2 में कहीं ना कहीं हमने मिस किया है बहुत ज्यादा। और मैं सबसे पहले यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मेरिट एंड डीमेरिट की अब बात करना चाहूंगा। सेक्रेड गेम सीजन 2 से लोग क्यों निराश हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो सेक्रेड गेम सीजन 1 में लोगों को पसंद आया था, एक डायलॉग्स डिलीवरी थी, दूसरी बात उसके कैरेक्टर जैसे कुक्कू का कैरेक्टर था और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कहीं भी आई का भी कैरेक्टर था, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कहीं भी आपको सेक्रेड गेम सीजन 1 में जो उसकी मेरिट यही है कि वो कहीं भी आपको स्लो फील नहीं कराता, ये फील नहीं कराता, बोरिंग नहीं आपको महसूस नहीं होती आपको, आपको एक मतलब एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, अगर सेक्रेड गेम सीजन 2 पहले आया होता, यानी कि अगर ये इस तरह से बनाया गया होता सीजन 1, तो
इसका सीजन टू की लोग कभी डिमांड नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि सीजन टू जितने भी लोगों ने पूरा देखा वो सिर्फ इस वजह से देखा क्योंकि सीजन वन का हाइप इतना ज्यादा था और जहां पर कहानी एंड हुई थी मतलब उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे सबसे बड़ी बात कहूंगा नोनी जी, यहां पर मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूं राइटर्स की, मतलब वो कहानी को कहीं पर भी ले जा सकते थे। जैसे इस बार कहानी इन्होंने बॉम्बे से हटकर गाय टोंडे का दिखाया है, वहां पर वो फॉरेन में बिजनेस करता है, शिप वाला दिखाया बहुत सारी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कहानी में जो सेक्रेड गेम हम देख क्यों रहे हैं वो चीज मिस है। मतलब आप देख तो रहे हो लेकिन आप क्यों देख रहे हो ये आपको नहीं पता होता। सिर्फ सीजन वन की कहानी को आप जानने के लिए देख रहे हो लेकिन कहीं भी रोमांचक नहीं बनाया गया, कहीं भी आपको ये फील नहीं आता कि यार अब थ्रिल होगा। मतलब एक होता ना कि एक रोंगटे खड़े होने वाली बात हो जाती है किसी भी सीन में। जैसे वन की मैं बात करूं तो उसमें जब कुकू का एक तरह से पर्दाफाश होता है या कुकू अपना मतलब जो सीक्रेट है रिवील करती है तो देखकर ही मतलब इंसान सरप्राइज हो जाता है यार ये क्या चीज है। एक वो कुकू का जब डेथ होती है पुलिस वाला जब वो वाला सीन आता है गाय टोंडे को पकड़ लिया जाता है उसके बाद मतलब कहानी अचानक से नया मोड़ ले लेती और किसी ने सोचा भी नहीं होता कि गाय टोंडे के जीवन में इतने उतार चढ़ाव, जो एक समय पर पूरी बॉम्बे पे राज कर रहा है वो उसके साथ जेल में इतना बुरा बर्ताव भी उसके साथ होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके उसके अंदर लेयर्स बहुत सारी थी जो सीजन टू में बिल्कुल देखने को नहीं मिली। गेस नहीं कर पाओगे आपकी नेक्स्ट सीन अगर आपने कुछ और सोचा है हो कुछ और रहा है नहीं। लेकिन सीजन टू में सबसे बड़ी कमी क्या है कि ठीक है उसमें भी कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से तो गेस नहीं कर पाते लेकिन कहानी बिल्कुल फ्लैट तरीके से चल रही है। कहानी को उन्होंने रोमांचक नहीं बनाया, कोई उसमें थ्रिल नहीं डाला। डायलॉग जरूर हम गाय टोंडे के मुंह से थोड़े बहुत सुनते हैं पुराने वाले। इसमें जमीला का कैरेक्टर ज्यादा रिवील किया गया है, जो कैरेक्टर पहली बार में उतने नहीं दिखाए गए थे। जैसे जोजो का कैरेक्टर था सुरवीन चावला ने वो प्ले किया है, जो एक मतलब हाँ बिल्कुल जो सुरवीन चावला की उनसे क्या दुश्मनी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है जिस तरह से यहाँ पर कैरेक्टर्स को दिखाया गया था, चाहे त्रिवेदी का हो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो जिसे बहुत ज्यादा हाइप दी गई थी, गुरुजी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर गुरुजी को भी सही तरह से की बात करें दोस्तों, हाँ वो अपना कैरेक्टर तो सही तरह नहीं पा रहे लेकिन उनका भी कैरेक्टर को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगती है कि बंटी जिसे लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था, मतलब मैं मानता हूँ सेक्रेड गेम सीजन वन को हिट कराने में बंटी का भी बहुत बड़ा योगदान था, उसके डायलॉग भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आए थे। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं इन्होंने बंटी को पूरी तरह से यहां पर खराब कर दिया। सिर्फ वो एक सीरीज के अंदर था लेकिन उसका उतना भी रोल नहीं दिया गया जितना एक साइड आर्टिस्ट को देना बनता है, और जबकि उन्हें पता था कि बंटी। राहुल जी एक और चीज मुझे निराशा वाली लगी कि जो गुरु जी की अचानक रैंडम डेथ दिखा दी है ना, वो जो मार दिया जाता है, कल की कोचलिन का एक कमाल होना चाहिए था क्योंकि नहीं नहीं एक्चुअली ये सब ठीक है, मैं कहता हूँ कहानी है उन्होंने जितनी ज्यादा डेप्थ में जाकर बनाई है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर सेक्रेड गेम, मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ, मैंने और भी लोगों से बात की है जिन्होंने देखा है इसलिए हम रिव्यू को भी थोड़ा लेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरह से मतलब आपको कुछ स्पॉइलर भी दे रहे हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोगों ने देखना था और जो काफी वेट कर रहे थे उन्होंने तो शायद अभी तक नहीं मिस की होगी, ये कहानी पूरी देख ली होगी। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए आप मतलब अलग से टाइम निकाल कर देखें और बहुत ज्यादा जितनी एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे तो मुझे लगता है आपकी उतनी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। राहुल जी के कहने के तरीके को मैं बदल देती हूँ कि आप इसके 800 रुपए की मेंबरशिप लेने की जगह एक मंथ फ्री वाला ट्राई करके देख लो। हाँ ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि मैंने रात को शुरू किया था और मैं यही सोच रहा था कि 15 अगस्त की सुबह सबसे पहले इसका रिव्यू करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इसने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और नोनी जी तो बीच मतलब इतना बोर लगा ही नहीं, ये तो बीच में ही सो गई और मैं भी सच बता दो 2-3 एपिसोड के बाद मुझे भी लगा चलो यार कल देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा दमखम मुझे नहीं नजर आया। ओवरऑल जो मेरी इसको रेटिंग है तो अगर मैं 10 में से रेटिंग दूं तो मैं दूंगा इसमें से 10 में से 6 रेटिंग। और नोनी जी आप बताओ आप पहले सीजन को क्या दोगे और सेकंड को क्या दोगे? पहले सीजन को मेरी 9 है, तो 9 है। मेरी 9 है। पहले सीजन को मेरी 9 है, सेकंड को 6 है, तो यानी कि उल्टा कर दो 9 को। आप बताओ नोनी जी आप क्या देना चाहोगे सेकंड को? राहुल जी आपने थोड़ा 6 थोड़ा कम ही बता दिया, वैसे 7 तो बनता है कम से कम। चलिए नोनी जी 7 दे रही है, तो क्योंकि यार जितनी गालियां और जितना मतलब मैं कह रही हूँ एक्सपोजर फर्स्ट सीजन में था, यूथ इसको इसीलिए देखता है सच बताऊं, गालियों और एक्सपोजर के लिए, वो सेकंड सीजन में आपको ज्यादा मिलेगा।
सच में। सेकंड सीजन में मुझे नहीं लगता नोनी जी उतना ज्यादा है, क्योंकि मैंने पूरा देखा है। हाँ, लेकिन और कहीं ना कहीं अब गुरु जी का ही देख लो ना, क्या क्या नहीं मिला आपको, सब कुछ खुलेआम मिल गया। अब मैं सारी चीजें बताऊंगी तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि आपको गुरु जी और गाय टोंडे की रासलीला भी इसमें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप देखने के बाद अपने आप को एक ठगा महसूस करेंगे। वन लाइन में बस इतनी बात कहना चाहूंगा। और सेकंड सीजन को जहां पर इन्होंने एंड किया है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से डिसअपॉइंट करने वाला है। तो सीजन 3 जरूर आएगा, लेकिन अब लोगों में जितना एक एक्साइटमेंट थी, जितनी एक अवेटेड मोमेंट थी कि भाई हम सीजन 2 के लिए वेट कर रहे थे, अब लोग उतना वेट नहीं करेंगे क्योंकि सीजन 2 उतना अच्छा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस रिव्यू को आपने देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए जल्दी सी। अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको सीजन 2 के अंदर सबसे बड़ी क्या कमी लगी और आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।